लेकिन ये ध्यान रहे योग भ्रष्ट श्रीमदाम ग्रेहे। ये हमारे गुरुदेव एक दिन ऐसा कह रहे थे और वो एक अद्भुत गणित बता रहे थे हमारे गुरुदेव। वो कह रहे थे कि बीच बीच में कई लोगों को सन्यास की हुड़क आती रहती है, हुड़क बीच बीच में, और वो इस तरह से कभी कभी वो एक तरह से घर के लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, ज्यादा दुखी करोगे हम साधु बन जाएंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, हम त्याग देंगे सब। कभी कभी कुछ लोगों में वैराग्यानुभूति रहती है और स्वतः विरक्त रहते हैं वो, परिजनों में, पुरजनों में, बंधु बांधवों में क्षणिक आसक्ति के बाद मुक्त हो जाते हैं। मैं एक अनुभव बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। आप में से वो आपका अनुभव कई बार बना होगा कि आपके ही परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, आपके ही सगे संबंधी जब आपको विचलित करते हैं तब आप में वैराग्य जगता है, ईश्वरानुभूति के लिए आप प्रेरित होते हैं और आपको लगता है क्या जंजाल में फंसे हुए। भले आप संन्यास न लें, भले आप भजन न करें, लेकिन उस दुराकाल में, उस दुरावस्था में भगवत आश्रय लेने का मन करता है कि इससे तो अच्छा वैराग्य था, इससे तो अच्छा भगवत भक्ति है, इससे तो अच्छा ही साधन है, हम कहां फंसे इनके पास, इनकी आसक्ति में, इनकी मूढ़ता जड़ता में, ये तो सुधरेंगे नहीं, इनका तो क्रोध जाएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही हैं, लेकिन हम क्यों इनके बीच में रहकर समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना। ये जो एक बीच में कभी संन्यास की तरंग, ये बीच में कभी जो एक आपके भीतर वैराग्य की जो एक अग्नि जगती है, ऐसा अगर कोई आप में बैठा है तो चुपके से डायरी में लिख दो कि आप योग भ्रष्ट हैं, फिर आप योग भ्रष्ट हैं, साधन छूट गया है कोई आपका, या तो बार बार गुरु के पास रहते हो, बार बार गुरु याद आए, संत याद आए, सत्संग याद आए, वहां मन न लगे और यहीं अधिक मन लगे, तो अभी लिख दो कि योग भ्रष्ट हैं। कभी कभी सत्संग, साधु पुरुष, सत्कर्म, ये सब हमें रुचिकर लगता है, ये हितकर लगता है, यही अपना कुटुंब लगता है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं, पहली शुभेच्छा, दूसरी सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंत में तुरिया। ये वेदांती महात्मा बैठे ये बताएंगे शुभेच्छा क्या है। शुभेच्छा आत्म जागरण की तत्परता, आत्मानुभूति के लिए एक व्याकुलता, स्वयं के सत्य को जानने के लिए एक आप में गहरी प्यास। ये सच जो है, जो जड़ से मुक्त चैतन्य क्या है, सो नित्य वस्तु के प्रति अभिलाषी होना, ये शुभेच्छा, सुविचारणा, तनु मानस, तुरिया, ये ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। और उसमें एक आध बार शिथिल हो गए तो धड़ाम से नीचे गिरे, नीचे आदमी आकर गिरता है और फिर उसका जन्म पता है कहां होता है, श्रीमतां गेहे, अच्छे घर में, अच्छे साधनों में पैदा होता है और फिर वो ऐसी जगह पैदा होता है कि जहां से उसकी साधना फिर से सक्रिय हो सके। थोड़ा ध्यान रखना, मुझे एक छोटी सी बात कहनी जो बहुत आवश्यक है, हमारी साधना में सक्रियता वैराग्य के कारण ही आती है, वैराग्य बड़ी संपदा है, विरति। अगर ये संसार कभी अपना रंग रूप दिखाए, संसार का चाल चरित्र दिख जाए, संसार के अगर मूल रूप को अगर कभी आपने देख लिया है, काम बन गया, जस्ट क्लिक, वही तो बात है, जब क्लिक करती है आपको, क्या रे ये, जब जगत की नश्वरता, क्षण भंगुरता, यहां की असारता, ये कभी आपको अनुभव हो तो दुखी मत हो जाओ। संसार की असारता में, क्षण भंगुरता में आपको वो एक किरण मिली है, किरण, एक रोशनी मिली है आपको, एक विंडो मिल गई है बाहर निकलने के लिए। और कौन कह रहा है कि घर छोड़ना है, यहीं रहिए, इन्हीं के बीच में रहिए,
और तपस्या करके अथवा ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को सिद्ध करके दिखाओ, तभी जय जयकार है।